कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार उनकी पत्नी सोफी ग्रेजायर ट्रूडो का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। बयान में कहा गया है कि वह फिलहाल ठीक महसूस कर रही है, हल्के लक्षण हैं और वह आइसोलेशन में रहेंगी। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ट्रूडो को किसी भी तरह के लक्षण नहीं है, लेकिन 14 दिनों तक वह भी आइसोलेटेड रहेंगे। किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए जाने की वजह से अभी तक ट्रूडो का कोरोना वायरस टेस्ट नहीं किया गया है और वह अपना काम जारी रखेंगे। कनाडा में विपक्ष के एनडीपी नेता जगमीत सिंह भी अस्वस्थ महसूस करने के बाद घर से काम कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि वह एक डॉक्टर के संपर्क में हैं और उन्हें विश्वास है कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें जनता के साथ संपर्क को सीमित करने की सलाह दी गई है जब तक कि वह बेहतर महसूस ना करने लगे। आपको बता दें कि इस वायरस के कारण विश्व भर के करीब 115 देशों और क्षेत्रों में 4600 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1,25,293 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। चीन में बुधवार को संक्रमण के चलते 11 लोगों की मौत के साथ ही यह आंकड़ा 3,169 तक पहुंच गया। कोरोना वायरस के सर्वाधिक प्रभावित वुहान में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 8 नए मामलों के साथ गिरकर एकल संख्या में पहुंचा। चीन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने गुरुवार को बताया कि चीन की मुख्य भूमि पर बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 15 नए मामले सामने आए। चीन में विदेश से आए लोगों में कोविड-19 के कुल मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो बुधवार को बढ़कर 85 तक पहुंच गए हैं। यह घातक संक्रमण पहली बार पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से सामने आया था। कोविड-19 संक्रमण अब दुनिया के 115 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया भर में 4600 से अधिक लोगों की मौत चीन के बाद कोरोना वायरस का सबसे बुरा हाल इटली, ईरान और दक्षिणी कोरिया और फ्रांस में पड़ा है। क्यूबा और जमैका में भी कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले सामने आए हैं। अल्जीरिया में इस वायरस के कारण मौत का पहला मामला देखने को मिला है और देश में इस संक्रमण के 24 मामले दर्ज किए गए हैं। पोलैंड में भी कोरोना वायरस के कारण पहली मौत हुई है। देश में अब तक संक्रमण के 46 अन्य मामले सामने आए हैं। एशिया में इस वायरल के 90,765 मामले और यूरोप में 947 मौत हो चुकी है और पश्चिम एशिया में 9,880 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 364 की मौत हो चुकी है और अमेरिका और कनाडा में 1,300 से अधिक मामले और 38 की मौत हो चुकी है। लातिन अमेरिका और कैरोबिया में 197 मामले आ गए हैं, जिनमें 2 मौतें हो गई हैं। ओनेशिया में 155 मामले आए हैं, जिनमें 3 मौत हुई हैं और अफ्रीका में 130 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 की मौत दर्ज की गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.